हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मेरा नाश्ता यहाँ बन चुका है। आज नाश्ते में मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई है, मैंने उसमें चना दाल डालकर बनाया है और साथ में मैंने रोटी बनाई है। तो आज मेरा बेटा स्कूल नहीं गया क्योंकि आज उसकी तबीयत ख़राब थी। तबीयत उसका कल से ही ख़राब था, तो कल तो चला गया स्कूल, लेकिन मैंने आज उसे स्कूल नहीं भेजा। तो आज छुट्टी है उसकी, लेकिन फिर भी वो मोबाइल में आज लगा हुआ है। उससे बस का तबीयत सही हो गया मोबाइल के। तो नाश्ता वगैरह तो मैंने बना लिया है सब, वही किचन की साफ़ सफाई करनी है, कुछ बर्तन रखे हुए धुलने के लिए मुझे उसे धुलना है। ग्रोसरी का सामान भी मैंने मार्केट से जा कर लाया था, तो रात हो गया था उसे आते आते, तो कल मैंने रात में उसे सरियाया भी नहीं, सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो वो मुझे आज रखना करना भी है, तो आराम से रखूँगी मैं, नहा धुला कर सब हो जाएगा काम, तब आराम से मैं उसे रखूँगी। तो फिलहाल तो मैं भी काम करने के लिए जा रही हूँ। तो बने रही, मैं अपने फेस पे ये एवर यूथ का मास्क लगाने वाली हूँ, क्योंकि इधर थोड़ा सा मुझे बाहर ज़्यादा निकलना करना पड़ रहा है, इसलिए फेस जो है थोड़ा देख सकते हो आप। इसे लगाने से पहले हमें अपने फेस को पानी से पहले धो लेना है, इसके बाद ही इसे हमें अपने फेस पे अप्लाई करना है। इसे लगाने के लिए मैंने यहाँ सबसे पहले हाई पोनीटेल बना लिया, क्योंकि फिर आप हेयर बैंड ले सकते हो लगाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे हाई पोनीटेल कर लिया और सारे बाल को अच्छे से टाइट कर लिया है, और अब मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करने जा रही हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने इसे अपने पूरे फेस पर अच्छे से इसे अप्लाई कर लिया, और हमें इसे पूरा सूखने के लिए छोड़ देना है। तो ये 20 मिनट में सूख जाएंगे अच्छे से, तो मैं इसे 20 मिनट के बाद इसे अच्छे से हटा लूँगी। तो जब तक मैं कुछ काम कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने बेडशीट भी अच्छे से चेंज करके बिछा लिया, तो आप देख ही सकते हो कि आज कितने सारे कपड़े निकले हुए हैं, और आज तो मुझे मशीन लगाना ही होगा, क्योंकि ऐसे थोड़े से कपड़े रहते तो मैं हैंड वॉश ही कर लेती हूँ, तो आज तो मशीन ही लगाना पड़ेगा। और साथ में यहाँ भी कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, तो मुझे इसे भी धुलना है। आज बहुत सारे कपड़े निकले हुए हैं और मुझे धुलने हैं। तो यहाँ ये अच्छे से बिल्कुल सूख चुके हैं, और अब मैं इसे अच्छे से निकाल लेती हूँ। जब ये अच्छे से सूख जाता है ना, तो बिल्कुल अच्छे से निकलेगा, और मुझे इसे निकालने में बड़ा अच्छा लगता है। देखो ना कितने अच्छे से ये निकल रहा है, बिल्कुल प्लास्टिक की जैसे। आप देख सकते हो कितने अच्छे से निकल रहा है, और मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ। और अब मैं अपने फेस को नॉर्मल वाटर से जाकर धो लेती हूँ। तो यहाँ मैंने अपने फेस को नॉर्मल वाटर से धो लिया है। तो ये मास्क हमें वीक में कम से कम एक बार तो अप्लाई अपने फेस पे करना ही चाहिए। तो मैं खाना बना रही हूँ, और खाने में आज मैंने चिकन और पुलाव बनाया है, क्योंकि कल से रामनवमी भी स्टार्ट है, तो हैप्पी रामनवमी इन एडवांस। तो इसीलिए मैंने आज चिकन और पुलाव बना लिया है, क्योंकि 10 दिन नहीं खा रहा नॉनवेज यूट्यूब में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने चिकन और पुलाव दोनों की रेसिपी बताई, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिएगा। और रामनवमी भी खाना बना लिया। पुलाव तो मैं हमेशा कुकर में ही बनाती हूँ, बहुत अच्छे से बनते हैं कुकर में पुलाव। तो आप देख सकते हो पुलाव मेरा बनकर तैयार हो गया है, और यहाँ पे मेरा चिकन अभी बन रहा है। तो शाम के अभी 6 बज रहे, और मैं अभी यहाँ चाय बना रही हूँ, आप देख सकते हो। तो यहाँ मेरी चाय बन चुकी है, और अब मैं चाय पीने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय।